कभी कहीं आधा अधूरा जीवन नहीं होता, या तो वह पूरा होता है या फिर नहीं होता। स्कूल की बस का स्टॉपेज मुख्य सड़क पर था और नंदिनी का घर वहां से अधिक दूर नहीं था, परंतु इतना तो था कि घर पहुंचने में उसे 5 से 7 मिनट तक लग जाए। नंदिनी अपनी माँ के साथ इस गली में किराए के मकान में रहने के लिए अभी 4-5 दिन पहले ही आई थी। उसकी माँ यहाँ से थोड़ी दूर स्थित एक प्राइवेट इंटर कॉलेज में संविदा के आधार पर नियुक्त हुई थी और वह समाजशास्त्र पढ़ाती थी। वेतन अधिक नहीं था, फिर भी इतना तो था कि वे दोनों ठीक ठाक रह सकती थी और नंदिनी की माँ सविता भविष्य के लिए कुछ पैसे बचा भी लेती थी, चाहे कैसे भी स्थिति क्यों ना हो। सविता नंदिनी की पढ़ाई की जरूरतों को पूरा करने में कोई कमी नहीं रखती थी। बस से उतरने के बाद नंदिनी मुख्य सड़क को पार कर अपने मकान तक पहुंचने के लिए गली में मुड़ी। दो मकानों को पार कर जैसे ही वह अपने दाहिनी ओर के मकान के सामने पहुंची, उसने देखा कि वहां एक लड़का तेजी से घूमते हुए चाक पर मिट्टी के कुल्हड़ बना रहा था। नंदिनी के लिए यह कला नहीं थी, उसने यह पहले कभी नहीं देखा था। लड़के के दोनों हाथ लगभग कंधे तक मिट्टी से सने हुए थे। उसने एक धोती को घुटने के ऊपर तक चढ़ाकर बांध रखा था और केवल एक बनियान ही पहन रखी थी। नंदिनी का ध्यान उसकी बलिष्ठ भुजाओं, चौड़ी छाती या फिर आकर्षक गेहुआ रंग पर नहीं था। वह तो बस अब उसकी कला देख रही थी कि किस प्रकार वह घूमते हुए चाक पर रखी गीली मिट्टी को अपनी उंगलियों से अनूठे जोर से कुल्हड़ का आकार देकर कलाई पर बंधे हुए एक धागे से बने हुए कुल्हड़ को चाक पर रखी गीली मिट्टी से काट कर अपने बगल में रखता जा रहा था। चाक का तेजी से घूमना जैसे ही थोड़ा कम होता, वह अपने बगल में मिट्टी से सने हुए एक डंडे से उस चाक को फिर तेजी से घुमा देता। वह अपने काम में इस प्रकार से लीन था कि अपने आसपास घट रही किसी भी घटना के प्रति उसका कोई ध्यान ही नहीं था। नंदिनी ने अभी 9th क्लास में ही एडमिशन लिया था। सविता ने अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए नंदिनी को अनुचित सुविधा या लाभ मिल सके इस उद्देश्य से ही उसका एडमिशन अपने स्कूल में नहीं कराया था। इसलिए नंदिनी शहर के एक नामी अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में पढ़ती थी। सविता अपने स्कूल से जल्दी वापस आ जाती थी, किंतु नलिनी की क्लासेस थोड़ी देर तक चलती रहती। उसका स्कूल भी शहर से बाहर 6-7 किलोमीटर दूरी पर था, इस कारण भी नंदिनी कुछ देर से ही लौटती थी। नंदिनी केवल 2 वर्ष की थी जब उसके पिता एक सड़क हादसे का शिकार हो इस दुनिया से दूर चले गए थे। तभी से सविता उसकी माँ और पिता दोनों के कर्तव्यों का निर्वाह करती चली आ रही थी। पति की मृत्यु के बाद शहर में सविता को यह तीसरा मकान किराए पर लेना पड़ा था। यद्यपि सविता संविदा के आधार पर नौकरी कर रही थी, किंतु पति की मृत्यु के बाद उसकी आमदनी काफ़ी कम रह गई थी। इस कारण अब वह कोई बड़ा मकान किराए पर नहीं ले सकती थी। घूमते हुए चाक पर विविध आकार प्रकार के मिट्टी के बर्तनों को देखते देखते नंदिनी उसकी कला पर इस कदर मुग्ध हो गई थी कि उसे समय का कुछ पता ही नहीं चला कि वह कितनी देर से किसी और के घर के गेट के बाहर कंधे पर स्कूल बैग और हाथ में पानी की बोतल लिए अकेली खड़ी देखती रही। कौतूहल ने जैसे उसके पैर जमा दिए थे। काफ़ी देर तक नंदिनी घर नहीं पहुंची तो सविता को बेटी की चिंता होने लगी। उसने बाहर निकलकर सड़क तक जाकर देखने के लिए सोचा। जिस जगह नंदिनी के स्कूल की बस रुकती थी, उस जगह कई अन्य स्कूलों की बस भी दोनों समय अपने अपने स्कूलों के बच्चे को लेने और छोड़ने के लिए आकर रुकती थी। थोड़ा और समय बीता तो सविता की चिंता और बढ़ गई। वह नंदिनी का पता लगाने घर से बाहर निकली और अपने दाहिनी ओर देखा। उसने 2 घर छोड़कर 1 घर के बाहर तपती हुई धूप में नंदिनी को खड़े हुए देख लिया। तब पहले वही से आवाज़ दी, किंतु जब नंदिनी ने नहीं सुना तो थोड़ा आगे बढ़कर फिर आवाज़ लगाई, परंतु नंदिनी ने फिर नहीं सुना। हार कर सविता ने उसके पास जाकर उसे पीछे से पकड़ लिया और झकझोरते हुए पूछा, यहाँ खड़ी क्या देख रही हो? माँ, वो देखो, यह लड़का कितनी सफाई से मिट्टी के बर्तन बना रहा है, वह बोली। सो तो ठीक है, लेकिन इतनी तेज धूप में क्यों तप रही है? देख तेरा बदन कितना तप रहा है, सविता ने उसके गालों पर हाथ फेरते हुए कहा। तेरे फूल से गाल कोयले की तरह गर्म होकर लाल हो गए हैं, अब चल यहाँ से। सविता नंदिनी का हाथ पकड़कर घर की ओर चल दी। चंदू इस बात से बेखबर था कि उसके घर के बाहर क्या हो रहा है। वह अपने काम में तब तक लगा रहा जब तक चाक पर रखी उस सारी गीली मिट्टी समाप्त नहीं हो गई। मिट्टी से सने हुए अपने हाथ पैरों को अच्छी तरह धुलकर चंदू ने पजामा और कुर्ता पहने, माँ से मांग कर दोपहर के खाने में बची हुई रोटी और नमक मिर्च तथा प्याज को पीस कर बनी हुई चटनी के साथ खाई। जब तक वह खाता रहा, माँ उसके पीछे बैठकर हाथ से बनाए गए एक पंखे से हवा करती रही। जबकि चंदू ने कहा था कि माँ, मुझे इतनी गर्मी नहीं लगती, वह जानता था कि माँ कब मानने वाली है, इसलिए उसने फिर कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है हवा की आग ठंडी हो गई है, कल सुबह बर्तन निकाल लेना, माँ बोली।
हाँ माँ, आज इतने कच्चे बर्तन बन चुके हैं कि उन्हें पकाने के लिए कल फिर से नया आवा लगाना होगा। मिट्टी के बर्तनों के खरीदार अब कम है, नहीं तो इतने बर्तन जो अब पक गए हैं वो सब 3-4 दिन में बेच लेते। माँ, जितने बर्तन पक चुके हैं हम उन्हें 10 दिनों के अंदर बेच ही लेंगे। 10 दिन में भी अब बिक जाए तो भी हमारी ज़िंदगी ठीक ठाक से चलती रहेगी। माँ ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा। माँ, तुम देख लेना, एक दिन फिर मिट्टी के बर्तनों के दिन आएंगे। तेरे मुँह में घी गुड़ हो, आशा और प्यार की दृष्टि से चंदू के चेहरे की ओर देखते हुए माँ ने कहा और किसी विचार में खो गई। 30 साल पहले जब मैं ब्याह कर इस घर में आई थी तब चंदू के पिता के साथ मिलकर इतने बर्तन केवल 2 दिन में बिक जाते थे। अच्छी आमदनी भी हो जाती थी। हमें तब मोहल्ले में गरीब नहीं समझा जाता था, किंतु धीरे धीरे बिक्री कम होती गई और हम गरीब। ब्याह के 14वें साल में काफ़ी इलाज और मन्नतें मांगने के बाद चंदू हुआ था। तब तक भी सब कुछ ठीक ठाक ही था। चंदू 6 साल का था तब से वह अपने पिता से बर्तन बनाना सीखने लगा था और 10 साल तक होते होते वह सब कुछ सीख गया था। स्कूल जाने से पहले तथा आने के बाद बर्तन बनाने में अपने पिता की मदद भी करने लगा था। चंदू के पिता चंदू को पढ़ा लिखा कर इस खानदानी व्यवसाय से दूर करना चाहते थे। वे पढ़े लिखे नहीं थे किंतु चंदू को पढ़ाना चाहते थे, इसलिए उसका नाम भी चंद्रप्रकाश रखा था। किंतु नियति को यह सब मंजूर नहीं था। चंदू 15 वर्ष का था और वह 8वीं कक्षा पास कर चुका था कि अचानक दोपहर को एक दिन बर्तन बनाते बनाते उसके पिता की तबीयत बिगड़ी और अस्पताल पहुँचते पहुँचते रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। तब चंदू ने पढ़ाई छोड़कर चाक पकड़ लिया जिंदगी चलाने के लिए। तो फिर कुछ सोचने लगी। कुछ कहने के लिए उसने सिर उठाया तो देखा सामने से दीपक चला आ रहा है। दीपक चंदू का बचपन से ही दोस्त था और इस समय इंटर फर्स्ट ईयर का छात्र था। दोनों ने एक साथ 8वीं क्लास पास की थी। पहली क्लासों में चंदू के नंबर दीपक से अच्छे होते थे। ले देख, उधर दीपक आ रहा है, तू बैठकर बातें कर, मैं चली घर के अन्य काम करने, माँ ने कहा और उठकर घर के अंदर चली गई। दीपक चंदू के बनाए हुए बर्तनों के पास आकर ठहरा और एक एक बर्तन को बहुत गंभीरता से देखने लगा। देख क्या रहा है, यह तो मेरा रोज रोज का काम है, चंदू ने उसके पास आकर कहा। हाँ, तेरा काम तो रोज का है, परंतु आज कुछ खास है इन बर्तनों में। क्या खास है, सब एक जैसे ही तो हैं। यही तो मैं देख रहा हूँ, कुछ खास ना होता तो वह इतनी देर तक खड़ी देखती न रहती। कौन? मुझे नहीं पता। अरे, उस टीचर की लड़की जो 4-5 दिन पहले रामू काका के मकान में किराए पर रहने आई है। कोई आया तो है पर कौन, मुझे मालूम नहीं। हाँ, तुझे तो इन मिट्टी के बर्तनों के सिवा कुछ सूझता ही नहीं। काम के समय मुझे इधर उधर कुछ दिखाई नहीं देता यार। हाँ, सो तो है, परंतु वह तेरे गेट के बाहर खड़ी तुझे बर्तन बनाते हुए तब तक देखती रही जब तक कि उसकी माँ आकर उसके हाथ पकड़कर ले नहीं गई। अच्छा, मुझे तो कुछ भी पता नहीं चला। तेरे हाथों में जो जादुई कला है उस पर मुग्ध होकर कोई भी निहारता रह सकता है। पर तुझे कैसे पता? आज मैं स्कूल से जल्दी आ गया था, तब तू अपने काम में व्यस्त था। मैं अपने घर के बाहर बरामदे में पढ़ रहा था, वहीं से देखा। हमेशा की तरह दोनों बैठकर घंटों बातें करते रहे। नंदिनी के लिए यह रोज का क्रम हो गया था। स्कूल आते जाते वह एक बार उस ओर अवश्य देख लेती थी। कभी कभी गीली मिट्टी से उसी प्रकार के बर्तन बनाते वह दिख जाता, तो कभी कोई और काम करती, कभी कभी तो कई कई दिनों तक दिखता ही नहीं। नंदिनी की रुचि केवल सफाई से बनाते हुए बर्तनों में थी। अभी तक उस व्यक्ति से वह अनजान थी कि जिसके हाथ गीली मिट्टी को घूमती हुई एक चाक पर बिना किसी त्रुटि के आकार दे रहे थे। नंदिनी का कौतूहल मिट्टी के बर्तनों के प्रति बना ही रहा, तो एक दिन उसने माँ से पूछ ही लिया, माँ, मिट्टी के बर्तनों को बनाकर ये क्या करते हैं? नंदिनी की आंखों में सहज जिज्ञासा थी। अरे, तुमको पता नहीं, इन बर्तनों को बाजार में बेचकर ही ये लोग अपना घर और परिवार चलाते हैं। मगर अब उन्हें खरीदता ही कौन है, मैंने तो कभी नहीं देखा। बेटी, बाजार में प्लास्टिक और थर्मोकोल के बर्तन के आ जाने से मिट्टी के बर्तनों का चलन कम हो गया है, किंतु जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो केवल मिट्टी के बर्तन ही चलन में थे, माँ ने कहा। माँ, क्या आपको इस तरह के बर्तन बनाने आते हैं? नहीं, तो अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगा, माँ ने फिर कहा। पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, मुझे भी बर्तन बनाना सीखना है, वह बोली। तुझे क्यों सीखना है, यह कोई आसान काम नहीं है, इसमें बहुत शक्ति और मेहनत लगती है। जिस मिट्टी से तू बर्तन बनते हुए देखती है ना, उस मिट्टी को बर्तन बनाने के योग्य बनाना कोई आसान काम नहीं है, माँ बोली। माँ, यह काम आसान हो या ना हो, लेकिन मुझे बस सीखना है। जो काम दुरू होता है उसी को सीखने में तो मजा आता है। अच्छा ठीक है, मैं चंदू से कह दूंगी कि तुम्हें वह अपना काम सिखा दे। बेटी के आग्रह और जिद के सामने माँ को हाँ कहनी पड़ी। सच माँ, नंदिनी खुशी से माँ के गले से लिपट गई। इधर चंदू की माँ ने चंदू से नंदिनी को बर्तन बनाना सीखने के लिए कहा तो चंदू के माथे पर बल पड़ गए। कुछ सोचते हुए उसने कहा,
लेकिन माँ, वह लड़की मिट्टी के बर्तन बनाना कैसे सीख पाएगी? यह इतना आसान काम नहीं है, काफी शारीरिक शक्ति लगती है इसमें। तुझे मिट्टी बनाकर चाक चलाना है और फिर गीली मिट्टी से बर्तन किस तरह बनते हैं उसे इतना ही बताना है। पर माँ, उसे सिखाने के लिए तुमसे किसने कहा? नंदिनी की माँ ने, वह स्कूल में पढ़ती है तो उसका नाम नंदिनी है, चंदू ने मन में कहा। इसी के बारे में दीपक उस दिन कह रहा था। क्या सोच रहा है, वह रोज नहीं आएगी, केवल रविवार को छुट्टी के दिन आएगी। ठीक है माँ, तुम कहती हो तो जितना मुझसे हो सकेगा उतना सिखाने का उसे प्रयास करूंगा। केवल हाथ पैर ही नहीं, नंदिनी के सारे कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। उसने दो चार ही नहीं बल्कि एक कुल्हड़ बनाने के लिए कितने प्रयास किए थे उसे याद नहीं था। उसने भी अपने मन में ठान लिया था कि आज कम से कम एक कुल्हड़ तो उसी प्रकार बनाएगी जैसे चंदू बनाता है। चाक पर काम करते हुए नंदिनी को 3-4 दिन हो गए थे, परंतु अभी तक उसने एक भी कुल्हड़ नहीं बनाया था। ऐसा काम था जो खुद के प्रयास से ही होना था, जबकि चंदू उसे कुल्हड़ बनाने की कला को बहुत बार सिखा चुका था। वह जानता था कि यह कोई सरल काम नहीं है। उसे भी अपने पिता से सीखने में कम से कम 10-15 दिन लगे थे, तब जाकर उससे पहला कुल्हड़ बन पाया था। चंदू अपनी जगह से धीरे से उठा और नंदिनी के पीछे बैठकर उसके हाथों को पकड़कर पहला कुल्हड़ बनाने में उसकी मदद की, नंदिनी ने कहा। और फिर देखते देखते कितने ही कुल्हड़ बन गए। नंदिनी, अब तुम अपने आप एक बनाकर देखो, उसका हाथ छोड़ते हुए चंदू ने कहा। हाँ ठीक है, चंदू की ओर मुस्कुराते हुए नंदिनी ने कहा। एक दो प्रयास के बाद नंदिनी के हाथों से पहला कुल्हड़ बन गया। यह देखो चंद्रप्रकाश जी, बिल्कुल वैसा ही कुल्हड़ बना है जैसा तुम बनाते हो, नंदिनी ने खुशी से कहा। लगभग पागल हो गई वो, अभी थोड़े और प्रयास की जरूरत है, चंदू ने बने हुए कुल्हड़ को देखकर कहा। आज मैं बहुत खुश हूँ, एक और कुल्हड़ बनाते हुए नंदिनी ने कहा। इसे मैं अपनी माँ को दिखाने के लिए ले जाना चाहती हूँ। हाँ जरूर, परंतु ध्यान रखना रास्ते में इसका स्वरूप बिगड़ने न पाए। तो वर्ष बीतते बीतते नंदिनी चंदू के रंग में रंग चुकी थी। अपनी छुट्टियों में जब वह सीखने के लिए दोपहर को उसके घर पर होती तो अक्सर चंदू की माँ दोपहर का खाना उसे चंदू के साथ ही खिला दिया करती थी। नंदिनी भी कई बार अपने घर से चंदू के लिए खाना बनाकर ले आती थी। नंदिनी हाई स्कूल में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गई थी और इंटर के लिए उसने गणित के साथ कंप्यूटर साइंस विषय को चुना था। इंटर की पढ़ाई में व्यस्त रहने के कारण नंदिनी का चंदू के घर आना थोड़ा कम हो गया था, परंतु खत्म नहीं हुआ था। बर्तन बनाने की कला नंदिनी अच्छी तरह सीख गई थी। अब वह कुल्हड़ तथा सब कुछ बड़ी सहजता से बना लेती थी, जिसे बनाना चंदू को आता था। जाड़े की छुट्टियों में एक दिन नंदिनी की माँ ने चंदू और उसकी माँ को खाने पर बुलाया। उद्देश्य था नंदिनी का जन्मदिन, किंतु जन्मदिन की बात उनको बताई नहीं गई थी। नंदिनी के लिए पिछले 3-4 वर्षों के बाद यह अवसर आया था कि उसके जन्मदिन पर किसी को बुलाया गया था, नहीं तो वह और उसकी माँ इस दिन को चुपचाप अपने घर में मना लेती थी। रात में खाने के बाद चंदू को पता लगा कि आज नंदिनी का जन्मदिन है, तो वह भाग कर गया और उपहार देने के लिए अपने बनाए हुए कुछ खिलौने, जिसमें एक शेर था, एक लड़का और एक लड़की, ले आया। उपहार में चंदू के हाथ से बने हुए खिलौने पाकर नंदिनी का फूल सा चेहरा खिल गया। चंदू, तुम इस तरह के खूबसूरत खिलौने भी बनाते हो? खिलौने देखते हुए नंदिनी ने अनायास पूछ लिया। हाँ बेटी, मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाना हमारे परिवार का मुख्य व्यवसाय रहा है, चंदू की माँ ने बात को बीच में काटते हुए उत्तर दिया। नंदिनी के घर पर चंदू अभी तक लगभग चुप था, किंतु वह नंदिनी के प्रश्न का स्वयं भी कोई उत्तर देना चाहता था। इस तरह उसने धीरे से कहा, मैं इससे भी बहुत अच्छे और सुंदर खिलौने बना सकता हूँ, परंतु मिट्टी के बर्तन और खिलौने बाजार में कम ही बिकते हैं, इस कारण नहीं बनाता। चंदू, शायद तुम नहीं जानते, सरकार प्लास्टिक के सभी उत्पादों को बंद करने जा रही है। देखना, तुम्हारे बनाए इन बेहतरीन बर्तनों और खिलौनों की मांग बढ़ जाएगी। यह सब हम भी बहुत दिनों से सुन रहे हैं, लेकिन सरकार बंद करे तब ना, चंदू की माँ ने कहा। अभी तक सरकार केवल कह ही रही थी, किंतु जिस प्रकार से इससे पर्यावरण के नुकसान सामने आ रहे हैं उससे अब सरकार काफी गंभीर है, नंदिनी ने चंदू और अपनी माँ की ओर देखते हुए बहुत भोलेपन से कहा। प्लास्टिक के सामानों का प्रचलन बंद हो जाए तो हमारा यह प्राचीन उद्योग फिर से हरा भरा हो जाए, चंदू की माँ अचानक बोल उठी। सो तो है ही, यह प्लास्टिक कभी नष्ट नहीं होता, इसके कारण काफी प्रदूषण फैलता है जो कि इंसानों और जानवरों दोनों के लिए हानिकारक है, इस बार नंदिनी की माँ सविता ने कहा। धीरे धीरे करके दिन बीतते रहे, दोनों परिवारों के बीच घनिष्ठता बढ़ती जा रही थी। चंद्रप्रकाश और नंदिनी के बीच की औपचारिकताएं मिटने लगी थी, वे एक दूसरे के प्रति सहज हो रहे थे। इस बीच नंदिनी इंटर की परीक्षा में भी पास हो गई और कंप्यूटर साइंस में BSc करने के लिए विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लिया। नंदिनी कॉलेज से वापस लौटी तो थोड़ी देर हो गई थी। चंदू बर्तन बनाने के बाद हाथ पैर धोकर अपने घर के बाहर टहल रहा था। नंदिनी ने उसे बाहर देखा तो वह घर जाने से पहले उसके पास चली आई। चंदू, तुम जानते हो आज सरकार ने प्लास्टिक बंद करने की औपचारिक घोषणा कर दी है,
और यह प्लास्टिक 3 महीनों में पूरी तरह बंद हो जाएगा। ओ सच में 3 महीनों में पूरी तरह बंद हो जाएगा? हाँ, बाजार में मिट्टी के बर्तनों की मांग बढ़ने वाली है। आप जल्दी से अपना काम शुरू कीजिए, मैं भी आपकी सहायता करूंगी। अरे नहीं, अब आप कॉलेज में पढ़ती हैं, मेरे साथ कहाँ अपने हाथ खराब करेंगी। सच बोलो चंदू, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ बर्तन खिलौने बनाऊँ? मैं चाहता हूँ आप पढ़कर बड़ी अफसर बने और कभी कभी थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाएं मेरे काम को देखने के लिए। चंदू, मैं बड़ी अफसर बनने नहीं जा रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ मिलकर इस काम को ही बड़ा बनाना चाहती हूँ। धत, इस छोटे से काम में कोई बड़ा बना है भला? चाहे कोई पहले बड़ा बना हो या ना बना हो, किंतु मैं तुम्हारे साथ मिलकर इस काम को बड़ा बनाने की शपथ लेती हूँ। किंतु क्या चंदू, मैं अपने को इस योग्य नहीं समझता। चंदू, कोई व्यक्ति कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, हर एक की पहचान उसके काम से होती है और फिर तुम हुनरमंद हो। चंदू कुछ कह नहीं सका, उसने अपनी आंखों को नीचे कर ली। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जो सुन रहा है वह सच भी है अथवा नहीं। चंदू को चुप देखकर नंदिनी ने फिर कहा, मेरी माँ कहती है कि व्यक्ति का हुनर सबसे ऊपर होता है। जो व्यक्ति जितना अधिक हुनरमंद होता है वह उतना ही शालीन, सभ्य और योग्य होता है। यह सब गुण मैं तुझमें देख रही हूँ, फिर भी मैं अपने आप को आधा अधूरा और अयोग्य समझता हूँ। चंदू, एक बात जानते हो, कभी कहीं आधा अधूरा जीवन नहीं होता, या तो वह पूरा होता है या फिर नहीं होता, और मैं पूरा जीवन जीना चाहती हूँ। यह पूर्णता तुम्हारे साथ ही होगी, और जो हुनरमंद है वह अयोग्य तो हो ही नहीं सकता। उन दो मुट्ठियों का संघर्ष आखिर रंग लाया और 7 वर्ष कितनी जल्दी बीत गए उसका पता ही नहीं चला। उनकी शादी हुई, उसके बाद अपने पुत्र 4 वर्ष के गौरव का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में प्ले ग्रुप में करा दिया था। घर के बाहर लॉन में मोटर से चलने वाले 4 चौक लगाए थे, जिन पर 4 लोग चंद्र प्रकाश के निर्देशन में उसके बताने के अनुसार काम कर रहे थे। घर के बाहर बने बरामदे को ऑफिस बना दिया गया था, जहां नंदिनी के साथ 2 आर्टिस्ट और काम करते थे। बर्तनों की मार्केटिंग हेतु 4 लड़के रख दिए गए थे, जो शहर और आसपास के शहरों से भी ऑर्डर लेकर आते थे। बने हुए माल की सप्लाई के लिए शीघ्र ही एक छोटा हाथी भी खरीद लिया गया था। चंद्र प्रकाश के दोनों हाथ अब भी मिट्टी से सने हुए रहते थे। गौरव कभी दादी के साथ तो कभी नानी के साथ खेलता रहता था। मिट्टी की भीनी भीनी सुगंध उनके चारों ओर शीतल चांदनी की तरह फैली रहती थी।